किसी लड़की के पीछे दीवाना होने से या उसके आगे पीछे घूमकर उसे परेशान करने से अच्छा है उसे अपने पीछे दीवाना बनाना। अब बात किसी लड़की की हो या किसी इंसान को अपना दीवाना बनाने की, ज़रूरत होती है उस इंसान को जानना। अब किसी इंसान को जानना बहुत ही मुश्किल और लंबा प्रोसेस होता है। वो कौन से सिचुएशन में क्या करेगा ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है और हर बार नया नया सिचुएशन पैदा करना भी आसान नहीं होता। लड़कियाँ किसी लड़के को परखती है कि वो कौन सी सिचुएशन में क्या करता है, वो सिचुएशन बनाती है और बंदे की मेंटल एबिलिटी को परखती है। पर लड़कियों का ये तरीका भी पुराना हो चुका है। आज के आधुनिक युग में लड़के पहले से सारे सिचुएशन को स्टडी कर चुके हैं। वो जानते हैं लड़की पटाने के लिए कौन कौन से सिचुएशन को हैंडल करना पड़ेगा। वो अच्छे लव गुरु से ट्रेनिंग लेते हैं और ऐसे हज़ारों सिचुएशन को हैंडल करते हैं। बहुत बार तो लड़का सिचुएशन संभालने की एक्टिंग करता है और लड़की उसे सच मानकर उसकी दीवानी हो जाती है और लड़की को इसकी भारी कीमत भी चुकानी पड़ती है। लड़का उसे ऐसे दर्द देता है जिससे उभरने की लड़कियों को सदियां लग जाती है। लड़कों के साथ तो और बुरा होता है, वो लड़की के पीछे समय मेहनत पैसा बर्बाद करते हैं और लड़की मना करके चले जाती है। या लड़कियाँ लड़के को लटका कर रखती है, ना हाँ कहती है ना ना कहती है, बस एक के बाद एक सिचुएशन लड़के को देती जाती है और लड़की इंजॉय करती है। लड़के सोचते हैं ये आखिरी सिचुएशन है, शायद लड़की इस बार बढ़ जाएगी, पर लड़की हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर टालती जाती है। देखो, फेस रीडिंग एक तरीका है जिससे लड़की को देखकर तुम समझ में आ जाता है कि लड़की पटेगी या नहीं, या लड़का किसी रिश्ते को संभालने के लायक है या नहीं। पर आजकल तो प्लेबॉय की ट्रेनिंग होती है जिससे लोग खुद के चेहरे को अच्छा बनाए फिरते हैं। भोली चेहरों के पीछे मस्तीखोर बदमाश लड़कियों को फेस रीडिंग से पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। ये तो दो चेहरे का खेल सदियों से खेलती आ रही है। बहुत बार तो इनके दो से ज़्यादा चेहरे होते हैं। लोग अच्छे चेहरों के पीछे अपने बुरे चेहरे को छुपाए रखते हैं। देखो, फेस रीडिंग बहुत ही अच्छी चीज़ है किसी को पल भर में जानने के लिए, पर इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जो तुम देख रहे हो वो सही हो। आंखों देखा भी भ्रम हो सकता है। इंसान के चेहरे बदलते हैं, कपड़े बदलते हैं, शरीर बदलते हैं, बदलती नहीं है उसकी आत्मा, ना उसके आत्मा का व्यवहार। आत्मदर्शन मतलब कूल रीडिंग। कूल रीडिंग से किसी के आत्मा का व्यवहार जान सकते हैं और इसके लिए किसी को देखने की भी जरूरत नहीं होती। तुम अगर कूल रीडिंग जानते हो तो तुम किसी की आवाज़ सुनकर बता सकते हो कि बंदा दुखी है और किसी नदी किनारे पेड़ के नीचे बैठा नशा कर रहा है। तुम उसके दुख का कारण भी जान जाओगे और उसके दुख का समाधान भी। तुम किसी लड़की के फेसबुक प्रोफाइल को देखकर समझ जाओगे कि वो किसी बुलेट चलाने वाले लड़की के बाइक के पीछे बैठकर लॉन्ग ड्राइव पर जाना चाहती है। तुम कूल रीडिंग से किसी भी बंदे के बारे में सुनकर भी उस इंसान को पूरा पढ़ लोगे, क्योंकि आत्मा का स्वभाव कभी नहीं बदलता। कोई इंसान दूध बेचने वाला हो या देश का प्रधानमंत्री, वो आत्मा का व्यवहार नहीं बदल सकता। आत्मा जो चाहती है वो शरीर से करवाती है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में साधार आमंत्रित है। आप टेलीग्राम ग्रुप में भी अपने सवाल रख सकते हो, यहाँ साधारण लोग भी आपके सवालों को पढ़ते हैं और अपना विचार रखते हैं। और सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका समय बहुत 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 ही अच्छा हो। खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।